आ रही है, यहाँ पे लड़ाई लड़ जाए, ठीक है ना। कारगिल और चेचन गैलरी में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस कोने से लेकर लास्ट कोने तक जितने भी कारगिल वॉर में ऑपरेशन हुए उसकी तमाम जानकारी आपको पीछे बोर्ड से दी गई है, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मेरे सामने आपके पीछे सियाचिन गैलरी, सियाचिन में एक जवान कैसे सर्वाइव करता है, कैसे रहते, उनके माउंटेन इक्विपमेंट के बारे में भी दिखाया गया, वो भी आप देख सकते हैं। और शोकेस में रखे कुछ एक वेपन, वो वेपन है पाकिस्तान के, जो 1999 के कारगिल वॉर में इंडियन आर्मी ने कैप्चर किए गए वेपन, वो भी आप देख सकते, लेकिन लेके मत जाइएगा। ये ट्रेन मॉडल, ट्रेन मॉडल इंडियन आर्मी तब बनाती है जब कोई ऑपरेशन लॉन्च करना हो या ऑपरेशन के बाद किसी को डीब्रीफिंग देना हो, जो मैं अभी आपको दे रहा हूँ। जो ट्रेन मॉडल के अंदर रेड लाइन देख रहे हैं आप, ये रोड है, कोई कच्ची रोड, पक्की रोड, जिसमें नेशनल हाईवे भी शामिल है। और जो ब्लू लाइन से ये रिवर है, कोई छोटे रिवर, कोई बड़े रिवर, दो बड़े रिवर आते हैं चाइना से, इंडस और सिंगो रिवर, जो चाइना से होता हुआ इंडिया की तरफ बहती है। और लास्ट कोने में शिकारा रिवर, जो कि पाकिस्तान से होता हुआ इंडिया की तरफ बहती है। और कुछ एक नाम यहाँ रेड कलर से मेंशन किए गए, जैसे कि गुलतारी, गोंद, मटियाल, बिजोट, मरोल, ये है पीओके के कुछ गांव जो अभी भी वहाँ मौजूद है। और जो एरो है बीचों बीच जो मेरी तरफ इंडिकेट कर रहे, ये है एलओसी। एलओसी पता है? मुझे सुनाई नहीं दिया। 1999 वॉर से पहले इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था कि विंटर के सीजन में ज्यादा बर्फ पड़ने की वजह से किसी की भी सेना ऊपर पोस्ट में नहीं चढ़ेंगे, ना तो इंडियन आर्मी ना तो पाकिस्तान के रेंजर, उन्हें रेंजर बुलाया जाता, क्या बुलाया जाता, तो इंडियन आर्मी एग्रीमेंट के हिसाब से नीचे बेस पे डाउन हो गए। लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया, पाकिस्तान ने छुपते छुपाते धीरे धीरे करके हमारे कुछ एक पॉइंट उन्होंने ऑक्यूपाई करके रखे हुए थे। वो कौन से पॉइंट है आप देख सकते हैं, ध्यान से देखिए, ग्रास सेक्टर में तोलोलिंग टॉप 0.5.40, टाइगर हिल 4875, और कारगिल में 0.5608 कास्कर और मज्जाद को और बटाली के चार सेक्टर, जैसे कि जुबराय, क्याल दोर, मुंटा डालो और खालूबा, ये पूरा का पूरा उन्होंने धोखे से कब्जा किया हुआ था, क्योंकि इंडियन आर्मी एग्रीमेंट के हिसाब से नीचे बेस पे ही थे। तो कैसे पता लगा इंडियन आर्मी को कि हमारे पोस्ट ऑक्यूपाइड हो चुके, ध्यान से सुनिएगा। बटाली क्षेत्र में एक चरवा था भेड़ बकरी चढ़ाने वाला, जिसका नाम था तासी नामगेल, क्या था, तासी नामगेल। जब बटाली क्षेत्र के मुंटो डालो में वो अपने भेड़ बकरी के साथ घूम रहे थे, तो उन्होंने वहाँ पे कुछ एक हरकत को देखा कि वहाँ 7 या 8 लोग लंबे चौड़े पटाली सूट पहने हुए वहाँ पे बंकर बना रहे थे। जब उनको कन्फर्म हुआ जो बंकर बना रही है वो इंडियन आर्मी नहीं है, तो जो एग्रीमेंट के हिसाब से बैठी हुई सेना थी नीचे बेस पे, तो उन्होंने आके तमाम इन्फॉर्मेशन इंडियन आर्मी को दे दिए। जैसे इन्फॉर्मेशन मिली इंडियन आर्मी एक्टिवेट हो गए, हरकत में आ गए, और उस क्षेत्र को पेट्रोलिंग करने के लिए एक अफसर, 10 जवान, टोटल 11 जन की टोली बनाई गई सर्च पार्टी, जिस सर्च पार्टी के कमांडर थे कैप्टन सौरभ कालिया साहब, नाम सुना है, वो उनके कैप्टन सौरभ कालिया। जब बटाली क्षेत्र में वो 11 के 11 सर्च के लिए गए तो थे, लेकिन 11 के 11 बेस पे वापस नहीं लौटे, इसीलिए 1999 का जो कारगिल वॉर शुरू हुआ था वो वहां से शुरू हुई थी। और बटालिक में हमारे जितने भी पॉइंट ऑक्यूपाई करके रखे हुए थे उसको रिकैप्चर करने के लिए वहां पे एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया, जिस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन सफेद सागर। इसलिए बोलते हैं क्योंकि ज्यादा हाइट होने के कारण इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स ने मिलकर वहां पे ऑपरेशन लॉन्च किए, और जितने भी पाकिस्तान ने हमारे ऑक्यूपाई करके रखे हुए थे उसको रिकैप्चर कर लिया गया, चार के चार हुआ रिकैप्चर। लेकिन खालूबा टॉप 0.4812 पर फर्स्ट 11 गोरखा राइफल के कैप्टन मनोज कुमार पांडे शहीद हो गए, उनकी बहादुरी को देखते भारत सरकार ने उनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट आता है ड्रास, ड्रास में तोलोलिंग सबसे इम्पोर्टेंट है, इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि श्रीनगर से जो जिला ड्रास, कारगिल होते हैं लेकी और जोड़ने वाली जो नेशनल हाईवे, ये पाकिस्तान की निगरानी में था। अगर तोलोलिंग टॉप पाकिस्तान कैप्चर कर लेते तो आज जहां हम सब खड़े वो किसका होता, किसका होने देते, देते ऐसा ना हो, इसलिए ड्रास सेक्टर में भी एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया, जिस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन विजय। तो सबसे पहले लड़ाई तोलोलिंग टॉप से जारी की गई, इस टॉप को रिकैप्चर करने के लिए लगभग इंडियन आर्मी को 1 महीने का समय लगा था, इसलिए लगा था क्योंकि 5.40 टाइगर ज्यादा हाइट होने के कारण वो उनके निगरानी में था। इस टॉप को रिकैप्चर करते हुए कैप्टन विजयन थापर, जो कि 22 साल की उम्र में शहीद हुए थे, जिनका दलास पोस्ट दीवार पे दिया गया, पढ़ के जाइएगा अपने। नेक्स्ट आग था 0.5.40 रिकैप्चर करने का, हाल ही में आपने एक मूवी देखा होगा, कौन सी मूवी, कौन सी,
ऐसा अटैक था 0.5.40 रिकैप्चर करने का उन्होंने किया भी, और करने के बाद अपने कमांडर को 4 लाइन के मैसेज पास किए थे, वो कौन से लाइन थे? ये दिल मांगे मोर, जोर से बोलिए ये दिल मांगे मोर। नेक्स्ट अटैक था सिरसा का 0.4875 को रिकैप्चर करने का उन्होंने किया भी, लेकिन करते करते वहाँ पे वो शहीद हो गए। उनकी बहादुरी को देखते भारत सरकार ने उनको भी परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, और जितने भी उनके साथ बची हुई सेना थी उन्होंने लड़के उस क्षेत्र को भी कैप्चर कर लिया गया। ड्रास सेक्टर के चार कैप्चर कर लिए गए। लास्ट में आता है कारगिल। कारगिल में जैसे 0.5608 कास्कर और मजदार को रिकैप्चर करने के लिए लास्ट में एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया, जिस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन तलवार। ये लड़ाई बटालिक 2 मई 1999 से शुरू हुई थी और 26 जुलाई जाके कारगिल में वार खत्म हुई। जितने भी पाकिस्तान ने हमारे जगह जमीन फोर्स को ऑक्युपाई करके रखे हुए थे उसको रिकैप्चर करने के लिए लगभग इंडियन आर्मी को 3 महीने का समय लगा था। उस 3 महीने के दौरान में पूरा का पूरा रिकैप्चर कर लिया गया। पाकिस्तान यहाँ से एक टुकड़ा भी अपने साथ नहीं ले जा सका, इसलिए इंडियन आर्मी 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाती है।